Assalamualaikum guys. तो आज हम लोग बनाएंगे कारम चिकन. आई डोंट नो, इट्स नॉट ए नेम, बट मुझे ना बहुत क्रेविंग्स हो रही थी कारम पाउडर की. ये ना साउथ इंडिया में मिलता है कारम पाउडर इडली और डोसे के साथ. सो आई थॉट कि जस्ट लेट्स गिव इट अ ट्राई. तो एक्चुअल कारम पाउडर नहीं बनाया है मैंने, बट सिमिलर टू दैट. सो रेड चिलीज़ को क्या करना है, थोड़ा सा सॉटे कर लेना है ऑयल में अंटिल इट चेंजेस इट कलर. और फिर कारम पाउडर में जो है गार्लिक को छिलके के साथ आते हैं, बट मैंने यहाँ पर छिलका रिमूव कर दिया है और इसे अच्छी तरीके से सॉटे कर लिया है अंटिल ब्राउन. और फिर क्या, उसको मिक्स कर देना है एंड देन उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है. इन सब चीज़ों को ग्राइंड करने के बाद ना हम लोग को डालना होगा टमेटो पेस्ट डालना है, टमाटर नहीं डालना है. टमेटो पेस्ट का टेक्सचर एंड टेस्ट डिफरेंट आता है. अब क्या, चिकन में कट्स लगाकर उसके अंदर नींबू डालिए और जो हमने पेस्ट बनाया था उसे लगाकर अच्छी तरीके से मैरिनेट कर 2 आवर्स के लिए रख दीजिए ताकि सारे मसाले उसके अंदर अच्छी तरीके से चले जाएं. जो कप में मैंने मसाले पीसे थे उसी के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने और इसके अंदर डालूंगी मैं दही और अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी. उसके बाद एक भगोना या फिर एक पैन में खुला बर्तन जो भी है आपके पास उसके अंदर थोड़ा ऑयल हीट अप करके 3 टेबलस्पून ऑयल हीट अप करके उसके अंदर हरी मिर्च और करी पत्ता जो भी है उसे अच्छी तरीके से सॉटे कर लेंगे. फ्लेम ऑफ कर दीजिए, तेल को ठंडा होने दीजिए. उसके बाद हम लोग उसके अंदर डालेंगे दही एंड देन स्लोली विल ऐड इन द चिकन पीसेस. अच्छी तरीके से उसे मिलाने के बाद फ्लेम ऑन कर उसे हाई फ्लेम पर कुक होने के लिए रख दीजिए. उसके बाद आप 5 मिनट्स के बाद आप उसका फ्लेम लो करेंगे और ढक देंगे अंटिल द चिकन कुक्स. अगर आपको लग रहा है कि पानी ज़्यादा है चिकन में एंड में तो आप हाई फ्लेम कर सारा पानी एवेपोरेट कर दीजिए. जितना आपको ग्रेवी चाहिए आप उतना रख सकते हैं. पानी सूखने के बाद आप उसे डिश आउट कर लीजिए एंड इट्स रेडी टू सर्व. गार्निश इट विद फ्रेश कोरिएंडर लीव्स एंड ता-दा, यम्मी चिकन. आई होप यू लाइक माय वीडियो. प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल डू इट राइट नाउ.